निकाल लेती हूँ, फिर इसी में बना दूंगी मैं चाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात और आप सभी को सुबह की राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो दिन है आज संडे का, तो संडे के दिन मोस्टली मेरा लेट हो जाता है, इसलिए होता है क्योंकि स्कूल जाने की कोई टेंशन नहीं होती। तो फिलहाल तो सुबह का काम जो होता है, जैसे छोटा मोटा चिड़ियों को दाना पानी डालना और गेट वगैरह खोलना, पानी वगैरह भरना, वो सारा मैं करके आ चुकी हूँ। मैंने मेरा गर्म पानी भी पी लिया है, अब फिलहाल बन रही है चाय। तो चाय ले जा करके दूंगी सबको, जैसे कि सब उठ जाएंगे। अभी तो फिलहाल सब सोते पड़े हैं, सिर्फ मैं जगी हूँ। तो आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो फिलहाल मौसम आज का ठीक ठाक है, साफ़ है, लेकिन शाम तक बादल हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इवन फसल भी सबकी मोस्टली पड़ी हुई है खेतों में, अभी कटने को है। हमारी सरसों तो अभी आधी ही कट के आई है, यानी कि कुट के आई है, अभी बाकी की खेतों में ही पड़ी है, तो वो भी आज कुट के आएगी। तो आज का सारा जो भी है मेरा शेड्यूल है, मैं आपसे शेयर करूँगी, आई होप आप इसको पसंद करेंगे। मिलते हैं आपसे मैं थोड़ी देर में। लेते हैं अपनी चाय और देखते हैं अंदर का हालचाल क्या कर रहे हैं सब लोग। हाँ बढ़िया, सुबह सुबह लग गई फोन में, है ना? और कोई काम ना है पढ़ने लिखने का? ले चाय पकड़, सुबह जगते ही लग जाए कर फोन में। और पेपर कब से हैं तेरे? 27 से है ना? रख फोन है, चाय पी के पढ़ने बैठियो। सबका चाय पानी हो गया है और मेरी बेटी वो करती क्या है कि उसके पापा का सोते रहते हैं, चुपचाप से फ़ोन निकाल लेती है और चुपचाप चलाने लग जाती है। तो अभी मैं उसी को डांट रही थी क्योंकि अभी बच्चों के क्या एग्ज़ाम आने वाले हैं, बोर्ड के तो शुरू हैं क्योंकि मेरा बेटा 10th में पढ़ता है, तो उसके तो शुरू ही हैं और उसके हैं जो 27 तारीख से। तो मैं उसी को डांट रही थी कि फ़ोन रख दे, चुपचाप पढ़ने बैठ जा, मतलब उसको डांट के बोलो ना जब वो पढ़ने के लिए बैठती है। अब चाय पानी हो गया तो अभी मेरा बेटा फ़िलहाल तो अपने पापा के साथ गया है, वो क्या आधी सरसों तो कुट करके आ चुकी है, लेकिन आधी अभी पड़ी है खेतों में। तो आज आज का काम है, फिर फ्री हो जाएंगे तो मन को भी तसल्ली हो जाएगी, चलो सारा काम निपट गया। इवन उसके चक्कर में मेरा जो किचन का सारा राशन भी खत्म है, क्योंकि ना तो उनको टाइम मिल पा रहा है और मुझे तो स्कूल से टाइम मिलता ही नहीं है। संडे का टाइम मिलता है तो मेरा काम में हो जाता है, घर के काम में तो फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी फिलहाल तो मेरी बाहर की साफ सफाई हो गई है और अंदर का मेरा चलेगा सफाई अभियान, तो मैं अब उसी में लूँगी। फिलहाल मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे, तो मशीन का देखो यही फायदा है, आप मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे, बाकी का जो काम है आप करते रहो। तो फिलहाल तो मेरा अंदर का काम है वो करूँगी। आज मुझे मेरा आटा भी ख़त्म है, तो आज आटा भी बना, वो गेहूँ भी बनाऊँगी। सॉरी मेरी थोड़ी जीभ लड़खड़ा रही है क्योंकि इतने दिनों बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। तो इस फ़ोन को लगा देती हूँ मैं ट्राईपॉड पे और मैं काम करती रहूँगी और आपसे भी बातें करती रहूँगी। तो सबसे पहले इसको लगा देती हूँ मैं ट्राईपॉड पे। जुगाड़, वैसे तो कोई सब्जी है नहीं, तो ऐसी सब्जी क्या बनाई जाए जिसमें टमाटर ना डले, ना हरी मिर्च की इतनी ज़रूरत भी ना हो। तो बना रही हूँ बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, बेसन भी नहीं है
तो मैंने जुगाड़ लगाया कि चने की दाल रखी हुई थी इसको मिक्सी में मैं ग्राइंड करके पीस लूंगी, तो ये थोड़ा बहुत बेसन मेरा हो जाएगा, यानी अभी हाल फिलहाल का काम चल जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं बेसन को पीस ले रही हूँ, फिर मैं बनाऊंगी सब्जी। और खटाई के लिए मेरे पास छाछ है, वो इसमें डाल दूंगी, तो सब्जी क्या उसे थोड़ी खट्टी भी हो जाएगी, और वैसे भी बेसन की सब्जी में तो थोड़ी छाछ या दही हो उसी से अच्छी लगती है। तो फिलहाल तो मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर मैं बनाऊंगी इसकी सब्जी। अच्छा बेसन पीस दिया है, तो ये अभी हाल फिलहाल का काम मेरा ऐसा चल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आटा छन्नी से और छान लूंगी, जैसे कि मोटा मोटा इसमें रह जाएगा, उसको मैं बाद में पीस लूंगी और उसको इसमें गट्टे बनाने के लिए यूज करूंगी। इस बेसन में डाल दिया है मैंने तेल, अब मैं मिलाऊंगी इसमें कुछ मसाले, जैसे कि नमक डाल दिया, थोड़ी सी डालूंगी मैं अजवाइन, और उसके बाद ये पिसी हुई सौंफ और धनिया कुटा हुआ, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। उसके बाद डालूंगी इसमें मैं लाल मिर्ची, सबसे जरूरी बेसन की सब्जी में हींग जरूर डालिएगा, ये जिससे कि क्या है डाइजेस्ट वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हींग बहुत जरूरी है बेसन की सब्जी में। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ी सी मेरे पास रखी हुई है छाछ, इसका मैंने जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है, उसी से मैं ये गट्टे का जो डो है उसको लगा दूंगी, और डो लगाने के बाद में फिर मैं इसके बनाऊंगी गट्टे। तो पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि सारे मसाले हैं वो मिक्स हो जाएं। चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ, और देखिए इसमें डाला है मैंने छाछ, यानी कि थोड़ी सी बची हुई थी, तो उससे गट्टे बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। दही डालो या छाछ डालो, कुछ भी डालो, तो उससे क्या है गट्टे बिल्कुल आपके सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल मुंह में घुल जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल, और इस पानी को मैं इसी सब्जी में रीयूज करूंगी, फेंकूंगी नहीं, इसको निकाल लूंगी। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लिया, मैं अपनी हर सब्जी सरसों के तेल में बनाती हूँ। इसमें डाला मैंने जीरा, तेजपत्ता और एक बड़ी इलायची। अब मैंने यहाँ पर प्याज और अदरक का पेस्ट जो पीसा था वो भी इसमें डाल दिया है, और इसको ढक करके थोड़ा सा भूनना है, हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इसको भून करके फिर मैंने इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाले, इनको मैंने पहले ही पानी डाल करके मसालों को गला लिया था, जिससे कि मसाले क्या अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। तो इसमें मसालों में हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसी कटोरी से इसको भी इसमें डाल दिया, जिससे कि मसाला नीचे लगेगा नहीं और ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, जब तक भुनना है कि इसमें से तेल रिलीज हो जाएगा। तो मसाला भुन गया है, इसमें से जो तेल है वो इससे सेपरेट हो गया है, तो इसमें थोड़ी सी मैं डाल दी ऊपर से कसूरी मेथी। नहीं किया है, ऐसे ही बना रही हूँ, चाहे तो आप ये सब्जी सूखी भी ऐसे ही निकाल के खा सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, क्योंकि सभी रसीली सब्जी पसंद करते हैं, तो सूखी नहीं निकालूंगी, अब यही पानी मैं इसमें मिला दूंगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जैसा भी आप खाते हैं। तो मैंने थोड़ा इसको ना तो ज्यादा गाढ़ा किया है ना ज्यादा ठीक ठीक रखा है, मतलब इसको मैं बस एक बॉयल तक इसको मैं रखूंगी, एक उबाल आने तक ये सब्जी बिल्कुल बन करके तैयार है। तो मैं इसको ढक करके पका लूंगी धीमी धीमी, लो टू मीडियम फ्लेम पे।
तो ये आ गई हमारी बाकी की सरसों कुट के। अरे यार, तो बाकी की सरसों भी कुट के आ चुकी है, तो बड़ी मन को तसल्ली हो रही है कि चलो फसल सही सलामत घर आ गई, वरना मौसम का तो कोई आचार विचार पता ही नहीं चलता। तो फिलहाल बच्चे और मेरे पति देव हैं, वो सरसों को रखेंगे स्टोर रूम में, और फिलहाल मेरी सब्जी भी बन गई है। खाने पीने का भी कार्यक्रम यानी कि सब्जी तो बन गई है, अब फिलहाल बनाऊंगी मैं रोटी। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, धनिया मेरे पास थोड़ा ही था तो इसीलिए मैंने थोड़ा डाला है, बाकी की सब्जी बिल्कुल तैयार है। गेहूँ साफ कर रही हूँ बेटा। नहीं, तो मुझे गेहूँ साफ करना आता नहीं है, लेकिन कोई है भी नहीं है करने वाला, मजबूरी भी है करना। पहले तो क्या मेरे हस्बैंड थे वो भी हेल्प करा देते थे थोड़ी सी, लेकिन अब उनका चल रहा काम पता है, करने का टाइम है नहीं, इसलिए आज ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। तो अब मैं बस लगी पड़ी हूँ उसमें, देखता है कितना टाइम लगता है इनको मनाने में, जब कहीं जाके नहाना धोना होगा। फिलहाल मैं जब गेहूँ बनाने बैठी तो उसमें इतना कचरा था कि मुझे तो लगा कि मुझे तो आज शाम हो जानी है, इसलिए मैंने किया क्या, सारे गेहूँ मैंने अपने बेटे की मदद से धो दिए। तो अब ये मैंने दोनों खाटों पर यहाँ सुखा रखे हैं, इस पर भी और इस पर भी, और मौसम देखिए फिर से बादल हो गया। तो जब ये तो कहते हैं इस मौसम का कुछ अता पता नहीं है, फिलहाल देखो कल तक ये सूख जाएंगे अगर धूप ठीक ठाक रही तो। तो बस आप पहुँचो इसी ब्लॉग की एंडिंग पर, आई होप आपको ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। तो बस यहाँ आकर के मेरा सारा काम फ्री हो गया, मुझे पता था कि आज मेरा बिजी शेड्यूल है, इसलिए मैंने सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था और टाइम हो रहा करीब 3 बजे का। तो अब बस मैं खाना खाऊँगी और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।